खुशियों, आशाओं और आनंद से भरा हुआ आपका नया साल। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मई से लेकर मीन राशि के लिए कैसा होगा आज का दिन? क्या आज मिलेगी आपको अपनी मनपसंद नौकरी? क्या निवेश से होगा आज आपको लाभ? किस समय शुरू हो रहा है आज का राहु काल? आपकी राशि के लिए कौन सा रंग होगा लकी? हम जानेंगे आज के राशिफल में। अब जानते हैं 17 जनवरी 2022 दिन सोमवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास पौष है, पक्ष शुक्ल पक्ष और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज पूर्णिमा तिथि सुबह 5:17 तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पूर्ण वासु नक्षत्र सुबह 4:37 तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है वृष्टि, जो शाम 4:21 तक रहेगा, इसके बाद भव करण लग जाएगा, जो सुबह 5:17 तक रहेगा, इसके बाद बालव करण लग जाएगा। आज बनने वाले वैधृति योग है, जो दोपहर 3:53 तक रहेगा, इसके बाद विषखम योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में रात 10:02 तक गोचर करेंगे, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:48 पर होगा। आज चंद्रोदय शाम 5:10 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:10 से 12:52 तक है। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, और आज राहु काल सुबह 8:34 से शुरू होकर रात 9:53 तक रहेगा। और इसके साथ ही दर्शकों, हमने आपको आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप अपने शहर के अनुसार सटीक पंचांग जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। साथ ही साथ जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ढेर शुभकामनाएं। शिव पार्वती की तरह आपकी जोड़ी भी सदा सलामत रहे। मेष राशि। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद मिलेगी। आज आप बाधाओं का सामना कर सकते हैं, आपने कई मोर्चे पर बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है और आपको अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा मिल सकती है। अधूरे कामों को करने से आपको काफी खुशी मिलेगी। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अकेले लोगों को एक दूसरे से मिलने और मस्ती भरा समय बिताने का पूरा योग है। इस दिन वो कहीं बाहर घूम फिर कर यादगार बनाए। भले ही रिश्ता जीवन भर ना बन सके, पर नए दोस्त बनाने का अवसर खोने से क्या ही फायदा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। अपने अधीनस्थों से काम में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको शायद अपने काम करने का तरीका बदलना पड़े, यह आपके हित में ही रहेगा। अगर आप उनकी बात सुनेंगे, उनको उत्साहित करेंगे और उन्हें अच्छा सुझाव देंगे, तो साथ ही उनके अच्छे काम के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे, तो आप न सिर्फ अपने कार्यस्थल का माहौल अच्छा बना पाएंगे बल्कि साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मदद भी मिलेगी। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, व्यापार में आप माहिर हैं, ग्राहकों को आप अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। आज व्यापार में आपको काफी फायदा मिलने वाला है। आज आपको अपने बॉस से कुछ बोनस भी मिल सकता है। आपके वरिष्ठ सहयोगी भी आपकी कड़ी मेहनत के कायल हो जाएंगे, आपके ग्राहक भी आपकी मेहनत देख रहे हैं। इसी तरह चारों ओर से आपको अपने परिश्रम का फल दिखता मिलेगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, हो सकता है पुराने समय से चलता आ रहा तनाव और दबाव थोड़ा कम हो जाए। आज आपको तनाव की वजह से थकावट हो सकती है, इन परेशानियों को दूर करने के लिए खुद को समझाएं, हो सके तो व्यायाम करें और फिर थोड़ा आराम करें। ऐसा करके आप जल्दी पहले वाले नियम पर आ जाएंगे और पहले से काफी अच्छा महसूस करेंगे। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 5 तक महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं और बैंगनी रंग आज आपके लिए शुभ रंग है। वृषभ राशि। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे भी रहेंगे। देखभाल और विश्वास के बीच के बंधन को गहरा करने का भी अच्छा समय है। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आपके साथी के कारण आपकी जिंदगी खुशनुमा एवं मनोरंजन से भरपूर बन गई है। आज का दिन मनोरंजन एवं प्रेम से सराबोर होगा। आपसी रिश्तों की खुशी आपके दिल को भरपूर आनंद से भर देगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में।
अपने व्यावसायिक सपनों को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। किसी भी नए व्यवसाय प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी अच्छी तरह से योजना बना ही लें। ये सही समय है इस बात पर ध्यान देने का कि आपका व्यवसाय कितना फैल रहा है। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों, आप निवेश की सोच रहे हैं। निवेश के लिए सारे विकल्प तलाशिए। आप संपत्ति और दूसरे किसी निवेश का तो मन बना ही चुके हैं, लेकिन निवेश के लिए और कई सारे अच्छे विकल्प देखकर आप हैरान रह जाएंगे, तो क्यों ना इसे तलाश लिया जाए। आज आपको कुछ ऐसी नई जानकारियां मिलेंगी जिससे आपको बड़ा ही आर्थिक लाभ होगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक, आज आप ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। आज आप रात की सांस लेंगे और आज आप काफी अच्छा भी महसूस करेंगे। हाल ही में आई समस्या गंभीर नहीं बनेगी, इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। नीला रंग आपके लिए भाग्यशाली है। मिथुन राशि, आज आप अपने आकर्षण से सब काम कर सकते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप सामान्य महसूस कर सकते हैं। किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग से काम करने की जरूरत है। रचनात्मकता के साथ कोई भी नया काम कर सकते हैं। किसी प्रकार के नकारात्मकता को काम करने के लिए आज सतर्क रहें। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अगर आप कुंवारे हैं और आज अपने पार्टनर की खोज लंबे समय कर रहे थे, तो आज आपको सफलता मिल सकती है। आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आप में रुचि रखता है। वो कोई दोस्त भी हो सकता है, पर सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़कर अब वह आप में रुचि रखने लगा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आपका अपना व्यवसाय है तो उच्च अधिकारी आपके व्यवसाय को एक नई दिशा देंगे। अगर आज आप अपने उच्च अधिकारियों से अपनी तनख्वाह के इजाफे की बात करने की सोच रहे हैं, तो अभी कुछ समय के लिए इसे टाल दें। हो सकता है आज आपको वो मना भी कर दें। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, आज का समय आपकी वित्तीय योजनाओं को सही करने के लिए आदर्श है। इन दिन किए जाने वाले सही निर्णय आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन बिना सोचे समझे किए जाने वाले वित्तीय निर्णय आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आज आपके पद में व्यावसायिकता के कारण आपके सहकर्मी आपसे दबे हुए रहेंगे, लेकिन आपको अपना प्रभाव जमाते हुए सावधान रहना होगा। अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने पर आपको भविष्य में वित्तीय दुष्प्रभावों से भी घिरे रह सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक, जो खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है उसे आपको दूर रहना होगा। आज आपको मजबूत रहना होगा। ध्यान रहे, अपने मन पर काबू करके ही आप अपनी सेहत का लंबे समय तक ख्याल रख सकते हैं। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि, आज आप अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारों के बीच थोड़ा संघर्ष महसूस कर सकते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको निवेश का बेहतर रिटर्न दिला सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए कि किसी प्रकार की जिम्मेदारी या दायित्व की अपेक्षा ना करें। चतुराई से काम कर सकते हैं, परिस्थितियों को संभालें, इससे काफी खुशी मिलेगी। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज काम के सिलसिले में आपको किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपकी ओर निहारता हुआ कोई नया आदमी मिल सकता है। अपने काम से बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं है, पर उसमें से आपको दिक्कत जरूर महसूस करेंगे। अगर यह व्यक्ति आपके प्रति रुचि रखता है तो अतिरिक्त कार्यभार को निपटाने में किसी सहयोगी की सहायता लें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप किसी कानूनी झगड़े में फंस सकते हैं, सावधान रहे। झगड़े को आराम से बिना किसी वकील की मदद से सुलझाने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको लगता है आज बिना किसी कानूनी मदद के काम नहीं चलेगा, तो बात को ज्यादा ना बिगड़ने दें। कानूनी झगड़े को सुलझाने में बहुत समय लग जाता है। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, आज आपके लिए फायदे का दिन है। आपको लगा कि आज आपकी सभी व्यवसाय की योजनाएं काम कर रही हैं। आज किसी नए काम का जोखिम ले सकते हैं। आप इसके लिए किसी से सलाह लेने की सोच रहे हैं, तो पहले निश्चित हो जाइए कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं वह इस काम के लिए एकदम ठीक है भी या नहीं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आप महसूस करेंगे कि गलत खाना खाने, कम व्यायाम और नकारात्मक विचारों का अगर परिणाम ही बीमारी है। हरी सब्जियां, फल लेना ना भूलें और साथ ही शुगर, नमक और फैट से संबंधित भोजन बिल्कुल भी ना लें। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सौभाग्य के लिए आज नीले रंग के कपड़े पहने। दोपहर 3:00 से 6:00 के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। सिंह राशि,
कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको तनावग्रस्त और बेचैन महसूस करा सकता है। इस तनाव का कारण जो भी हो, अपनी भावनाओं को वश में रखें, खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। संतुलित मानसिकता आपको आसानी से काम करने के लिए मदद कर सकती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अकेले लोग आज दूसरे लोगों से मिलने के नए जरिए का पता लगाएंगे। आप ऑनलाइन का विकल्प भी चुन सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा साबित होगा, पर अपने बारे में विवरण देते समय सावधानी बरतें। आपकी व्यक्तिगत सूचना एवं फोन नंबर देने से पहले सावधानी से वहां तक पहुंचे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। अपनी असीमित ऊर्जा के बल पर आप काम के बोझ को आसानी से वहन कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि काम के बीच में आप आराम भी करते रहें। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वाला, यदि आपका अपना व्यवसाय है तो आज का दिन आपके लिए ही बना है। नवीन कार्य बड़ी तेजी से आएंगे और वर्तमान कार्य भी सही तरीके से चलेंगे। यदि आपकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है तब ये समझ लीजिए आज काफी बड़ा लाभ किसी विकल्प के रूप में आपको मिलने वाला है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। कुल मिलाकर आपके हालात अच्छे हैं, आप आनंद लें, जिम जाएं और मिली हुई सहूलियत का फायदा उठाएं। पर आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार ग्रे रंग के कपड़े पहनने से सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में काफी मदद मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा माना जा सकता है। कन्या राशि, मित्रों या परिवार के सदस्यों को आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको किसी परिस्थिति में विवश कर सकता है। आज अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। दोस्त और परिवार आपके निर्णय और परिस्थिति में मदद कर सकते हैं, यह आपको बेहद संतुष्ट और खुश कर देगा। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आपकी मस्त अदा किसी को बहुत ज्यादा भाएगी। आज आप किसी पार्टी में दोस्त के साथ पहुंचते हैं तो आप छाए रहेंगे। सज धज कर जाएं, आज रात आपके हैरान होने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। खतरे मोल लेने की आपकी क्षमता के कारण आपको व्यवसाय क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हो सकता है आपके बाहर जाने का मौका भी मिले। इस बदलाव से आप व्यवसायिक सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको विषम परिस्थितियों में भी आसानी से काम करने की अपनी क्षमता का विकास करना होगा। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि पर आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी की बात सोच रहे थे, आज कहीं से आर्थिक लाभ मिलने की खबर मिलेगी। वक्त तो लगा लेकिन देखिए आखिरकार आपको सब्र का फल मीठा ही मिला ना। समझदारी से निवेश कीजिए। ध्यान रखिए कि जो भी लाभ आपको इतने लंबे इंतजार के बाद मिला है वो यूं ही कड़चन ना हो जाए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, कुछ भी गलत खाने से आज आपको पेट दर्द हो सकता है, जिसे खाने का स्वाद जीभ पर रखते ही अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि भोजन आपके शरीर के लिए भी अच्छा हो। सही और संतुलित भोजन का आहार कर आप पाएंगे कि आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर पहले से काफी ज्यादा बढ़ रहा है और वजन घट रहा है। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सफेद रंग आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। सुबह से 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि, कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको बेहतर महसूस करा सकता है। कुछ मामलों में आपकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी हो सकती है। आज आपको अपने मन को शांत करने के लिए कुछ और भी करना चाहिए। आप तनाव मुक्त और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। कुंवरों, आज आप ऑनलाइन पर किसी से मिल सकते हैं। लंबी दूरी पर रहने वालों के बीच रिश्ता बनने की पूरी संभावना है। आगे बढ़े और खोज जारी रखें। जिसके आप बात कर रहे हैं उस बारे में सावधानी रखें। आज किसी अजनबी से मिलना आपकी सुरक्षा का संकेत नहीं है। सुरक्षित रहकर ऑनलाइन पर मेल जोल बढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप किसी कार्यालय में मैनेजर हैं तो आज आपको अपने कर्मचारियों को लेकर किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके कर्मचारी शायद जिद्दी हो पर आपकी बात ना माने। आप धैर्य और सही तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश करें और इस बात को आगे ना बढ़ने दें। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी, इस बात से संतुष्ट रहिए। मतलब यह है कि आज ना कोई नुकसान होगा और ना कोई बड़ा फायदा, लेकिन खुश रहने के लिए इतना क्या कम है। अगर आपका अपना व्यापार है तो आज का दिन आपका ही है। जो काम हाथ में है वे तेजी से हो रहा है और नया काम भी आएगा। अगर आपकी राजनीतिक पहुंच है तो समझिए आपको बड़े फायदे का कोई काम हाथ लगने ही वाला है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक,
आज वो दिन है जब आपको अपने ध्यान अपने आहार को और बेहतर बनाने में लगाना होगा। ध्यान दें कि किस किस समय पर आप स्नैक्स लेते हैं। अगर आप स्नैक्स लेते हैं तो आप पर निर्भर करता है कि कितना समय आप काम करते हैं। ध्यान दें कि जो सेहत के लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उस पर आप कितना खरे उतरते हैं। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर से पहले सभी महत्वपूर्ण कामों को कर ले। नीला रंग आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। वृश्चिक राशि। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको बेहतर महसूस करा सकता है। शांत रहने की कोशिश करें। व्यक्तिगत संबंधों के कारण चीजें आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने आकर्षण और स्पष्ट बहुमुखी स्वभाव से अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से रह सकते हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने पार्टनर की खोज में लगे लोगों को आज अपने पेशे के अंदर ही कोई जीवन साथी मिल सकता है। पिछले दिनों आप अपना अनुकूल पार्टनर खोजने में भले ही नाकाम रहे हैं, पर आज अपने मन मुताबिक जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा। अगर किसी का ध्यान आपकी ओर नहीं है तो भी निराश ना हो। भविष्य में इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि आपके बॉस आपको ज्यादा केंद्रित व लगन से काम करने वाले समझेंगे। अपने साथियों में अधिकारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद ही आप सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों, आप पिछले कुछ समय से किसी नए व्यापार या संपत्ति में निवेश कर रहे थे। इसमें आगे बढ़ने के लिए एक बढ़िया दिन है। आपके सामने किसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी निवेश का मौका आएगा, जिससे आगे चलकर अच्छा फायदा दिखेगा। किसी बड़ी संपत्ति लेन देन के लिए आज संयोग बन सकता है। अपने विकल्प खुले रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृश्चिक जातक और दोनों के मुकाबले आज आपको कम भूख लगेगी। हो सकता है ज्यादा तनाव की वजह से हो रहा हो। आप खुद पर ज्यादा तनाव ना डालें और ना ही खुद को ज्यादा खाने पर मजबूर करें। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुबह 9:00 से 10:30 के बीच का समय आपके लिए बेहतर माना जा सकता है। आज के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि। आज के दिन आपको कड़ी मेहनत का फल प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको सम्मान मान्यता धन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आप अपने विचार पर अमल कर सकते हैं। आपको अपने जीवन के बारे में सोचकर संतुष्ट महसूस होगा। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं और घमंड बिल्कुल भी ना करें। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। रोमांस की दुनिया में आज आपके रिश्तेदार आपके बचाव में सहयोग करेंगे। हो सकता है पिछले दिनों पार्टनर की खोज में नाकाम कोशिश करते रहे हों, पर आज आपको कोई रिश्तेदार आपके लिए नया या पूर्व परिचित व्यक्ति खोज कर ला सकता है। इस नई संभावना पर गंभीरता से विचार करें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। अधीनस्थ कर्मचारियों को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आप कार्यस्थल पर मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। अच्छा टीम वर्क और अच्छे टीम के सदस्य काम को समय पर खत्म करने से आपकी मदद करेंगे। आप अपने कार्यस्थल को तकनीकी तौर से भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आज आपके द्वारा जल्दी से लिए गए किसी निर्णय से आपको लाभ हो सकता है। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों, हालांकि आज व्यापार में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी, पर आपको इसका डर लगा रह सकता है। चिंता मत कीजिए, कोई अड़चन आई भी तो क्षणिक होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और भविष्य में आपको अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। आप मेहनत करते रहिए, पर आपके बजट लायक कोई अच्छा कोई काम हाथ लगे तो पकड़ते भी रहिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, व्यस्त जीवन शैली में असुरक्षित खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने खान पान को और बेहतर करना होगा। गेहूं और हरी सब्जियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए और साथ ही व्यायाम पर भी ध्यान दें। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 4:15 से शाम 5:45 के बीच का समय आपके लिए काफी अच्छा माना जा सकता है और लाल रंग आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। मकर राशि। आज आप किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं। यह अप्रत्याशित पुनर्मिलन आपको खुश महसूस कराएगा। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपका दिन मुश्किल भरा हो सकता है। आप ध्यान और एकाग्रता के साथ काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत और कार्य क्षेत्र को लेकर सावधान रहें। आपको किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे आप समझदारी से संभाल सकते हैं। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अगर आप अकेले माता या पिता हैं तो पार्टनर मिलने की कम संभावना है।
आज आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जो आपको हैरत में डाल देगा। आप निश्चित रूप से मत सोचिए कि वह आपका पार्टनर ही होगा, पर आपके अंदर लंबे समय से बुझी चिंगारी को जला देने में समर्थ होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। बच्चों के काम को जल्दी से पूरा करने के लिए आपको शायद अपने अधीनस्थों को प्रेरित करना पड़े और आपकी पूरी क्षमता से काम करें, लेकिन शायद सभी प्रोत्साहित ना हो, इसलिए उन्हीं को चुने जो प्रोत्साहित होने की क्षमता रखते हैं। आपकी तकनीकी योग्यता की परीक्षा नहीं जा सकती है और इसके लिए आपको कोई चुनौतीपूर्ण काम दिया जाएगा। आप में से कुछ लोग अपनी उपलब्धि के कारण किसी इनाम की आशा भी रख सकते हैं। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वालों, अगर आपके पास कोई निवेश करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा है तो आपके निवेश के कई सारे विकल्प पर विचार करना चाहिए। लंबे समय के निवेश के ख्याल से संपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा। अपने व्यापार में भी अलग अलग योजना बनाकर उसमें निवेश कर आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। आज सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर लें। कुछ ऐसे विकल्प सामने होंगे जो आपको पहले आपने कभी नहीं देखे थे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आज आप सादा खाना पसंद करेंगे। मदिरा पान से दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। घर में पका भोजन ही लें। जल्दी आपकी पाचन क्रिया भी ठीक होने लगेगी। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स आउट करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। कुंभ राशि। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर परिस्थितियों को आपके विरुद्ध कर सकता है। आपको जो मदद चाहिए मैं दिला सकता है। आपके दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी हर संभव मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताएं कि आप उनके कितने आभारी हैं। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आप आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनका अपने माता पिता से परिचय कराने में कोई संकोच नहीं होगा। आपकी पसंद पर आपसे भी ज्यादा आपके अभिभावक खुश होंगे, क्योंकि पार्टनर आपके साथ साथ आपके घर वालों की भी खातिर करता है। आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज अपने कार्यस्थल पर आपको ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे कि आप अपने कर्मचारियों को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके। इन दिनों आपको बहुत से कामों को समय पर पूरा करना होगा, जिसके लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे। आज अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें और उनकी सराहना करना ना भूलें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि वो कितने आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों, आप किसी मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं तो आज आपको फायदा मिलेगा। कोई ऐसा अनुबंध या काम जो लंबे समय से लटका पड़ा था आज हो जाएगा। आपके कार्य की सफलता के लिए मौके का आप लाभ उठा सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक, आज आपको कुछ तनाव रहेगा जिसका आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसे दूर करने के लिए आपको तनाव कम करना होगा। जब फिर से दिमाग में शांति बना लेंगे तब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए गुलाबी रंग के कपड़े पहने। 5:00 बजे के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेने से जरूर बचे। मीन राशि। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको चिंतनशील और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप विश्लेषण करने के लिए कुछ समय ले सकते हैं। आज आप करियर के जिस मुकाम पर हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। आप न केवल सपने देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा करना भी चाहते हैं। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपके लिए प्यार लेकर आएगा। अगर आज आप पार्टनर की खोज में हैं, तो जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ पलों के लिए आज की मुलाकात आपकी जिंदगी भर के लिए यादगार तोहफा साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। व्यवसायी, खासतौर से जिनका छोटा मोटा व्यवसाय है, आज शायद उन्हें अपने कर्मचारियों को लेकर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, किसी भी तरह का नकारात्मक निर्णय बिल्कुल भी ना ले। वो लोग जो विच्छेद संबंधित काम करते हैं उन्हें आज अपने लक्ष्यों को पाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वालों, अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव या किसी नई जगह घूमने की सोच रहे हैं तो आज इसकी शुरुआत के लिए बढ़िया दिन है। कई नौकरी मिल सकती है या कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको नई जगह की यात्रा करनी पड़ सकती है। आप इस मौके का जमकर लुत्फ उठाइए, दुनिया देखिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक, आज आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और ये सब अच्छी नींद की वजह से हुआ है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ताजी हवा लेने और व्यायाम करने में लगाएं ताकि ऊर्जा बराबर बनी रहे। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे।
एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। बैंगनी रंग के कपड़े पहनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली विवाह पंचांग शुभ मुहूर्त राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिषाचार्य से। एस्ट्रो योगी इंडिया नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।